अगर इस चॉकलेट केक को देखकर आपको लग रहा है इसे बनाना बहुत ही कठिन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान रेसिपी कोई भी बना सकता है सिंपल घर में रखे इंग्रेडिएंट से ही। तो और जो इसकी डेकोरेशन आप देख रहे हैं, वो भी मैंने बिल्कुल बिना क्रीम और बिना चॉकलेट के की है, और चीजें भी वही यूज की हैं जो हर किसी को इजीली मिल जाएं, जिससे कि आने वाले वैलेंटाइन पर आप अपने अपनों के लिए बहुत ही आसानी से इस केक को घर पर बना ले। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर इजी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी डिलीशियस चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन तैयार करेंगे। ये सब काम हम पहले करके रखेंगे, जिससे बाद में हमें परेशानी ना हो। केक टिन लीजिए और उसमें डालिए थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालकर बढ़िया से केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। और इसमें हम एक लगा देंगे बटर पेपर, यानी पार्चमेंट पेपर। अगर पार्चमेंट पेपर ना हो तो कोई परेशानी नहीं, आप यहाँ पर टिन को जैसे भी ग्रीस किया ना, थोड़ा सा मैदा उस पर छिड़क दें, बस उसके ऊपर आप केक बटर डालें तो भी आपकी केक आसानी से निकल आएगी। अब आप गैस पर एक मोटे तले की कढ़ाई चलाइए। कढ़ाई ले लीजिए, या कोई कुकर या पतीला भी आप ले सकते हैं। इस तरह से एक कोई स्टैंड हो इस तरीके का, तो आप स्टैंड लगा लीजिए, और अगर स्टैंड ना भी हो ना, तो कोई कटोरी या प्लेट लीजिएगा, उसे उल्टा करके रख दीजिएगा, तो भी आपका काम बन जाएगा। और लेड लगाकर लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट होने देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा देसी ओवन। कढ़ाई तो हो रही है गर्म, फटाफट देख लेते हैं केक का बैटर कैसे तैयार करना है। और बड़े बोल में सबसे पहले हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल। न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल लेना है, यानी जिसकी अपनी कोई स्मेल ना हो। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप दही। आप मेजरमेंट के लिए क्या करें ना, एक कोई घर का चाय वाला कप सेट कीजिए, उस अनुसार आप सारी चीजें ले लीजिए, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको। यानी कि 5 बड़े चम्मच ऑयल है, 5 ही बड़े चम्मच यानी 1/3 कप ही मैं ले रही हूँ फ्रेश दही, घर का जमा हुआ ताजा दही है। अब नेक्स्ट इसमें जाएगी 3/4 कप पाउडर चीनी, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम। चीनी लीजिए, मिक्सी में चलाइए, आपकी पाउडर चीनी घर में ही तैयार हो जाएगी। और अच्छे से एक विस्कर से बढ़िया से फेंट लेंगे, और ये देखिए एकदम क्रीमी हमारा मिक्स तैयार हो गया है। अब आप बोल पर लगाइए एक छलनी, और इसमें हम डालेंगे उसी चाय वाले कप से आप 1 कप मैदा लीजिए। 1 पिंच डाल रही हूँ नमक, वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है, इसलिए आइसक्रीम्स वगैरह में भी थोड़ा सा नमक जरूर डाला जाता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर मैंने लिया है। केक को बढ़िया राइस देने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच जाएगा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बस वही वाला। और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे, जिससे आपस में सब चीजें बिल्कुल मिक्स हो जाएं। मान लीजिए आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं है, तो फिर आप यहाँ डाल सकते हैं इनो फ्रूट सॉल्ट 1 छोटा चम्मच, पर इस स्टेज पे नहीं, जब बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट में वो इनो फ्रूट सॉल्ट डाला जाता है। बस सभी चीजों को करेंगे मिक्स जेंटली, कट एंड फोल्ड मेथड से धीरे धीरे मिलाइए कि आपस में सब चीजें बस मिक्स हो जाएं। 1/2 कप दूध, सिंपल रूम टेम्परेचर पर लिया है दूध मैंने, न गर्म न ठंडा। अगर चम्मच से बोलूं 6 से 7 बड़े चम्मच दूध है, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का, यानी रिबन कंसिस्टेंसी का हमें घोल तैयार करना है केक के लिए। जेंटली मिक्स करेंगे, और जो मैंने 1/2 कप दूध लिया था, पूरा दूध इसमें लग गया है। बस इस तरह से मिक्स कीजिए। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, एकदम स्मूथ, क्रीमी और रिबन कंसिस्टेंसी। जब मैं इस तरह से देखिए गिरा रही हूँ, तो नीचे रिबन्स की तरह दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा। हमें बैटर को तैयार करना है, फटाफट हम लेंगे केक टिन, और केक के बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे। ज्यादा गाढ़ा अगर आप रखेंगे तो बीच में से केक दबा दबा रह जाएगा, इसलिए दूध की मात्रा बिल्कुल यही पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कभी कभी शिकायत होती है ना कि बीच से केक पक नहीं रहा, वो तब होता है जब दूध आपने कम डाला हो और बैटर को बहुत ज्यादा गाढ़ा रखा हो। बस एक बार टैप करेंगे, कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो गई है, लिड को धीरे से हटाएंगे, बहुत तेज हीट आ रही है, परफेक्ट। और टिन को सावधानी से स्टैंड के ऊपर इस तरह रख देंगे, और केक पर लगा देंगे लिड। बिल्कुल इस तरीके से लिड लगाइए, कहीं से भी स्टीम निकलनी नहीं चाहिए। शुरुआत में फ्लेम को रखिए थोड़ा सा लो मीडियम 5 मिनट के लिए, और बाद में बिल्कुल लो कर दीजिए फ्लेम को। 30 से 40 मिनट के लिए केक को बढ़िया से बेक होने देंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं, तो 180°C प्री हीटेड ओवन में केक को बेक करें। अब देखिए टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपने कितने मोटे तले की कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम पर, इन सभी चीजों पर। तो आप लगभग 25 मिनट बाद एक बार थोड़ा सा लिड हटाकर ये जरूर चेक कर लें कि केक प्रॉपरली बेक हो रहा है या नहीं, लेकिन लिड को बार बार ना हटाएं, वरना केक बीच में से दबा रह जाएगा, बढ़िया से केक बेक नहीं हो पाएगा। तो चलिए जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, फटाफट से केक को सजाने के लिए बनाते हैं बहुत ही सिंपल स्टाइल की गार्निशिंग। और सॉस पैन में हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी। चीनी लीजिए, मिक्सी में डालकर पीस लीजिए, तो पाउडर शुगर आपकी तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, यानी कॉर्नफ्लावर। आपके पास घर में अरारूट पाउडर हो तो वो भी ले सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट चीज इसमें जाएगी वो जाएगा कोको पाउडर। तो यहाँ पर मैंने अनस्वीटेंड कोको पाउडर लिया है, किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। तो इस वाली बड़ी चम्मच से आप डालें पूरे 5 बड़े चम्मच। मैं सारा मेजरमेंट चम्मच से बता रही हूँ जिससे आप आसानी से बना लें। अभी हम पैन को गैस पर नहीं रखेंगे, पहले सारी चीजें मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान और एकदम सिंपल वाली गार्निशिंग बता रही हूँ जिससे आप इजीली कोई भी केक को सजा ले बिना किसी क्रीम चॉकलेट के। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप दूध, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालिए और मिक्स कीजिए जिससे कि लम्स ना बने। लगातार इस तरह चलाएं थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके, इससे आपको मिलाना आसान होगा। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो मैं सारा ही दूध डाल रही हूँ और लो फ्लेम पर गैस पर रखकर लगातार चलाते हुए इसको कोटिंग कंसिस्टेंसी तक हम पका लेंगे, मतलब थिक होने तक। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा पतला नहीं, ऐसा समझिए कि हम अपने केक को सजा पाए। स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का हमें इसको पकाना है। सारे ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारे केक रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। क्लिक कीजिए और वीडियो देखकर आप तैयार कर सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट इस रेसिपी में मैं यूज कर रही हूँ उन सबके ना मैंने ऑनलाइन परचेज करने का लिंक भी दे दिया है, तो आप इन चीजों को बहुत ही इजीली ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। धीरे धीरे मिलाते हुए आप देखेंगे कुल चेंज होता जा रहा है। फटाफट से इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया शाइन और ग्लेज आ जाएगा। थोड़ा सा दूध मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी को आप बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि जब आप इसे इस तरह गिरा रहे हैं, अब टर्न करके देखिए स्पून पर पूरा कोट हो रहा है। तो लीजिए हमारा फटाफट से इंस्टेंट गनाश बिना चॉकलेट के तैयार है केक सजाने के लिए। तो इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए, चेक करेंगे केक को। तो लगभग 35 मिनट के करीब हो गए हैं, तो चलिए केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, आपने देखा था बैटर हमने कितना कम रखा था और कितनी बढ़िया इसमें स्पॉन्ज और फ्लफ आया है। इसके लिए आप लीजिए एक टूथपिक और टूथपिक से इस तरह डालकर देखिए। ये देखिए पिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है। ये देखिए मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाती हूँ। तो गैस को कर देंगे बंद और धीरे से केक के मोल्ड को हम निकाल लेंगे। केक के ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो तो इसलिए आप इसके ऊपर एक हल्का सा कपड़ा इस तरह ढक दीजिए और केक को हल्का ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीबोट करेंगे। तो ये लीजिए केक हो गई है हमारी हल्की सी ठंडी। बस एक नाइफ से इस तरह हल्के से हम इसको डीबोट करेंगे, प्लेट पर इस तरह निकाल लेंगे। बस ये जो बटर पेपर हमने लगाया था ना इसको इस तरह से हटा देंगे। ये लीजिए एकदम बेकरी जैसी बेसिक स्पॉन्ज चॉकलेट केक है बिल्कुल तैयार। नीचे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। आप बनाकर देखिएगा आपके चॉकलेट केक घर में ही बहुत अच्छी तैयार होगी। आप केक को लीजिए और केक को रखिए इस तरह की किसी जाली पर और इस जाली को हम रख देंगे एक प्लेट के ऊपर और इस तरह से धीरे धीरे ऊपर से चॉकलेट गनाश इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चॉकलेटी गार्निशिंग। बस इस तरह से डालते जाइए, पूरी चॉकलेट केक आपकी अपने आप ही गनाश से कवर हो जाएगी। हो गई बस हमारी सिंपल वाली टेस्टी वाली गार्निशिंग। एक्स्ट्रा गनाश हम ड्रिप होने देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए। और ये लीजिए हमारी अमेजिंग सी बहुत बहुत टेस्टी चॉकलेट केक है बिल्कुल तैयार। ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी गार्निशिंग सेट हुई है। अच्छा मैंने क्या किया है गार्निशिंग के लिए, लगाया है एक जुगाड़। जो गनाश इस पे डाला था ना उसी में से एक कटोरी गनाश मैंने फ्रीजर में 20 मिनट के लिए रख दिया, उससे वो बिल्कुल थिक हो गया और मैंने उसको एक कोन में भर लिया। तो बस इस कोन में भरकर मैं यहाँ पर कर रही हूँ छोटी छोटी सी डिजाइन, बिल्कुल ऑप्शनल है। चलिए जुगाड़ से हमारी केक तो नीचे से सज गई है। मैंने तो ये जुगाड़ वाला काम कर लिया। अगर आपके पास ऐसे केक स्प्रिंकल वगैरह हो ना तो इनसे भी आप सजा सकते हैं, जैसे इस तरह के, या आपके पास अगर चोको चिप्स हो तो उनसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैंने लिए थोड़े से चॉकलेट फ्लेक्स, कोई भी चॉकलेट ले लीजिए, अगर डार्क कंपाउंड हो तो वो भी ले सकते हैं। आलू छीलने वाला नाइफ होता है उस पील करेंगे तो इस तरह से फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं। थोड़े से चॉकलेट फ्लेक्स मैं यहाँ डाल रही हूँ साइड में और बस इसके ऊपर लगा देते हैं जो मार्केट में बैफर्स मिलते हैं ना बच्चों के, बस ये मैं वो लगा रही हूँ। मैं मेरी क्रिएटिविटी के हिसाब से सजा रही हूँ, आप अपने अनुसार केक को सजा सकते हैं। और यहाँ रख देते हैं चेरीज, थोड़े से डाल देते हैं गोल्डन बीट्स। सभी चीजों को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और ये देखिए मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ, एकदम सुपर स्पॉन्जी और जालीदार अंदर का टेक्सचर। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी, खाकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये आपने इतने सिंपल तरीके से घर में बनाई है, वो भी बिना चॉकलेट के। तो ये लीजिए हमारी डिलीशियस सी बहुत ही आसानी से बनने वाली सुपर इजी चॉकलेट केक है बिल्कुल तैयार, वो भी कढ़ाई में बनी हुई बिना चॉकलेट बिना क्रीम।
तो बस इस वैलेंटाइन आप अपने अपनों के लिए जरूर बनाएं चॉकलेट केक, क्योंकि चॉकलेट केक एक ऐसी केक होती है जो सारे फ्लेवर्स में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद होती है। और ये तो सुपर सॉफ्ट है, आप इसकी लुकिंग भी देख सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से मैंने इसको सजाया है जिससे हर कोई इजीली सजा ले। और शाइन और ग्लेज आप देख सकते हैं गनाश का कितना बढ़िया आया है। तो देखा आपने कि चॉकलेट केक बनाना कितना आसान है। आप इसे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कैसी लगी आपको आज की ये केक। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 दिल खोलकर लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।